तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि गोगुंदा के सायरा से मिल रही है। कमोल के भील बस्ती में पैंथर का अधेड़ पर हमले के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। देवाराम पर हमला करने वाले पैंथर को ग्रामीणों ने पीट पीट कर ही मार डाला। सूचना पर सारा पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी पिंजरा लेकर मौके पर पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर के शव को कब्जे में लिया। भैंस के बछड़े को बचाने गए देवाराम पर हमला किया था। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी और वन विभाग की टीम पर इस बात को लेकर आश्वासन था कि जल्द से जल्द पैंथर को पकड़ा जाएगा, क्योंकि लगातार हमले जारी थे। अब ऐसे में ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली इस पूरे मामले की और पैंथर को पीट पीट कर मार डाला। गोपाल से ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी गोगुंदा से जुड़ चुके हैं। गोपाल, जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि ग्रामीणों का गुस्सा था, आक्रोश था, और अब वो इंतजार नहीं कर सकते थे कि वन विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। फिलहाल अपडेट पूरे मामले में जो सामने आ रहा है, घटनाक्रम क्या हुआ था बताइएगा। जी, आज सुबह की ये घटना है कमोल के भील बस्ती की, जहां एक भैंस के बछड़े को बचाने के लिए देवाराम मौके पर दौड़ा। तुरंत ही पैंथर ने उस पर हमला कर दिया, उसके दोनों हाथ नोच लिए। जब उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और तुरंत ही पैंथर को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन पैंथर भागना चाह रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने घेर कर उस पर लठ से और पत्थरों से हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने सायरा पुलिस को सूचना दी, वन विभाग को सूचना दी, जिस पर सायरा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह जुगनावत मौके पर पहुंचे और वन विभाग के कर्मचारी भी पिंजरा लेकर मौके पर पहुंच गए। तो वन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत ही शव को कब्जे में लिया और सायरा वन विभाग कार्यालय लेकर गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर का हमले से ग्रामीण भयभीत थे, लेकिन चारों ओर से घेरने के बाद पैंथर पर जिस तरह अटैक किया गया, पैंथर ने ग्रामीणों पर लपका भी सही, लेकिन ग्रामीणों ने दमखम दिखाते हुए पैंथर को मौके पर ही मार दिया है। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे और लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद गोपाल।